सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मधु। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग वॉल डेकोर, जो कि बहुत इजी है इसको बनाना, और जिनको पेंटिंग भी नहीं आती है वो इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्राफ्ट एंड DIYs देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी हार्ड बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास यहाँ पर एक बोर्ड पड़ा हुआ था, लेकिन इसके जो साइड के एजेस हैं वो काफ़ी रफ़ हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्मूथ कर लेंगे। इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी वॉल पुट्टी की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें वॉल पुट्टी को हम निकाल लेंगे। तो जितनी आपको वॉल पुट्टी चाहिए आप उसी हिसाब से यहाँ पर निकाल लीजिए, और ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल जाती है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 स्पून वॉल पुट्टी को लिया है। इसके बाद अब हम इसमें पानी को ऐड करेंगे और उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, एक साथ हमें नहीं ऐड करना है, और इस तरह से मिक्स करते हुए पहले थोड़ा गाढ़ा ही इसे हम रखेंगे, जिससे कि हमारा जो पेस्ट है उसमें गांठें ना पड़े। तो इसको इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर हमें ज़रूरत लगे और पानी की तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। पेस्ट को हम थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, क्योंकि जो हमारे बोर्ड के एजेस हैं उन पर अगर हम पेस्ट पतला लगाएंगे तो वो जल्दी से ड्राई भी नहीं होगा और उतनी फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह का टेक्स्चर हमें रखना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और यहाँ पर इस तरह का पेस्ट बनके तैयार है। और अब ये देखिए बोर्ड के साइड में जो एजेस हैं वो कितने रफ हैं। तो यहाँ पर वॉल पुट्टी को हमें फिंगर पर लेना है और इस तरह से इसमें भरते जाना है। पेस्ट को जब तक लगाते रहिए जब तक कि हमारे जो रफ एजेस हैं वो अच्छे से स्मूथ ना हो जाए, और इसी तरह से हम चारों साइड पर इसे अप्लाई कर देंगे। चारों साइड अप्लाई होने के बाद हम इसे अच्छे से धूप में ड्राई होने के लिए रख देंगे, और जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम अरेंजमेंट करते हैं लीव्स का। तो यहाँ पर मैंने कुछ लीव्स ले ली हैं, आप किसी भी पैटर्न में लीव्स ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अब ये देखिए हमारा जो बोर्ड है वो भी ड्राई हो गया है। एजेस को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए हमें यहाँ सैंड पेपर की ज़रूरत होगी। तो सैंड पेपर की हेल्प से जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ पर इसको घिस दीजिए, तो हमारे जो एजेस हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें चारों साइड को भी अच्छे से घिस के स्मूथ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक कलर का जैसो, और अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी ब्लैक एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ स्पॉन्ज ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ ब्लैक जैसो को अप्लाई कर दिया है। यहाँ जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो भी मैंने होममेड बनाया है, अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब हम कभी कलर अप्लाई करते हैं तो डैबर से अप्लाई करना बहुत आसान होता है, और हमारा कलर भी कम क्वांटिटी में लगता है कंपेयर टू अगर हम ब्रश से यूज़ करते हैं। तो ब्रश से हमारे जो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं और हमारा कलर भी ज़्यादा लगता है। इसी तरह से पूरे बेस पर हम ब्लैक जैसो अप्लाई कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये चॉक पेंट। तो चॉक पेंट की जगह आप कोई भी एक्रेलिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमने लीफ ली थी उस पर हम ब्रश की हेल्प से कलर अप्लाई कर देंगे, और कलर अप्लाई होने के बाद अब हम जो हमारा ब्लैक कलर का बोर्ड है उसके ऊपर इसको चिपका देंगे। और कुछ इस तरह से हमें ये बैक साइड से लीफ को चिपकाना है जिस साइड हमने कलर लगाया है, और अच्छे से हमें इसे प्रेस कर देना है जिससे कि जो हमारे लीफ की जो वेन्स हैं वो अच्छे से हमें दिखाई दें। और यहाँ से अब हम इसे रिमूव कर देंगे, और कुछ इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई देगा। और रैंडमली आप
जहां भी आपको अच्छा लगे वहां आप इस तरह से लीव्स को बनाते जाइए। और इसी तरह से पूरे बोर्ड पर इस तरह की लीव्स हम बना लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक्वा कलर यूज किया है, आप जितने कलर चाहें आप इसमें यूज कर सकते हैं। और कितनी आसानी से हमारा जो लीफ का पैटर्न है वो बनके तैयार हो गया है। और जिनको भी आर्ट अच्छे से नहीं आती है, पेंटिंग अच्छे से नहीं आती है, वो भी इस पेंटिंग को बहुत अच्छे से इजीली बना के और अपनी वॉल पर हैंग कर सकते हैं। इसको बनाना इतना आसान है कि कोई भी बिगिनर इसको बना सकता है और ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है। लीफ पर कलर को अप्लाई करते टाइम बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही जो लीफ के ऊपर हम जो कलर अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए। एक्वा कलर की लीव्स बनाने के बाद अब हम यूज करेंगे यहाँ पैरेट ग्रीन कलर का। और इसी तरह से जहां जहां आपको जगह दिखती है वहां वहां लीव्स को बनाते जाइए। और हमारी पेंटिंग बनके तैयार है, तो देखिए है ना कितनी मजेदार और इजी। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the best. आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।